मार्केट के लिए इसके ब्लेड चेंज करने के लिए हम इस 5 KLMP का यूज़ करते हैं। इसको हम इसके अंदर 4 बोल्ट लगे हुए हैं। इनको धीरे धीरे ऐसे खोलते हैं। चारों बोल्टों को लूज करके बोल्टों को निकाल लेते हैं हम। हाँ जी सर, इसको खोलने से पहले ये ध्यान देख लें, हम इसके पीछे एक कागज़ लगाते हैं। ये कागज़ फटना नहीं चाहिए सर, ये वाला कागज। अगर ये कागज़ फट गया गलती से या कोई गलत से, तो आपको इसको मार्केट में दोबारा से लगाना पड़ सकता है, ये वाला कागज। अब इसके हम मैं दूसरी ब्लेड डालता हूँ चेंज करने के लिए। कैसे करते हैं, ये ब्लेड हम मैंने निकाल दिए सर। और इसकी नई ब्लेड डाल दें, ये वाली ब्लेड है आपका, ये जो लो साइड है, तो इसको लो साइड को इधर रखना सर, ये वाला ऐसे घुमा के देखना। अगर हमने गलती से अगर इसको उल्टा डाल दिया तो सर ये जाम हो जाएगा, आपको लगेगा नहीं। ऐसे एक डाल के घुमा के देख लो, अगर फ्री घूम रहा है तुम्हारा। बस इतना ही ध्यान रखना, ब्लेड डालें टेप और साइड नीचे साइड में। और इसमें भी अगर उल्टा डल जाएगा तो भी दिक्कत आ जाएगी। अगर ऐसे डल गया, ऐसे डल गया टेपर साइड नीचे रखने के बाद भी अगर उल्टा डल गया ना, तो भी सर दिक्कत आ जाएगी। अगर मान लो टेपर साइड भी उल्टा रखा और फिर भी ये ऐसे डल गया, यानी कि आपकी जो ये टेपर है, ये इसके लो साइड है, जो ये नीचे साइड, इस लो साइड के साथ रखना है। अभी आपका हो गया कागज़ भी आपका हो गया। अब इसको दोबारा से उठाया, कोई कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में, ऐसे बोल्ट लगा दिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने के जरूरत। ये आपके ब्लेड चेंज हो गए। और इसको क्रॉस मार्क्स चेक करने के लिए हमें सही करें नहीं, तो इसके लिए हमने पीछे एक साफ निकली हुई है, इसको ऐसे घुमा के देख लो। अगर आपकी फ्री घूम रही है तो बहुत बढ़िया, सही है आपको। ओके।